हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। तो सर्दियों का सीज़न है, इसीलिए हम आपके लिए गर्मा गर्म पराठे लाए हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने मूलियाँ ली हुई हैं, और आज हम मूली का बहुत ही टेस्टी सा पराठा बनाएंगे गर्मा गर्म। और उसके लिए हमने मूली को अच्छे से छील लिया है और इसको कद्दूकस करके बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सारी मूली को हमने कद्दूकस कर लिया है। मूली का पराठा बनाने के लिए हमने गेहूं का आटा लिया हुआ है 500 ग्राम। एक चम्मच घी डाल देंगे बड़ी चम्मच से हम, इससे बहुत ही मुलायम बनेगा पराठा। बारीक कटी हुई अदरक, अजवाइन आधा चम्मच, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 3 मिर्च हमने लिया है, आप अपनी तीखा के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। नमक स्वाद अनुसार 1 टेबल स्पून हमने लिया है। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे ताकि घी जो है वो अच्छे से पूरे आटे में मिल जाए। अब हम कद्दूकस किया हुआ मूली डालेंगे, और ध्यान रहे हम मूली के साथ ही आटे को अच्छे से लगा लेंगे, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मूली जो है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पानी छोड़ता है। तो बस अच्छे से पहले मूली के साथ में आटे को मिला लें, और जब ज़रूरत पड़े तब थोड़ा सा पानी डाल करके आटे को लगाएं, वरना आटा जो है वो गीला हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं आटा लगा लिया हमने, अब शुरू करते हैं बनाना। थोड़ा सा हम अलग से आटे भी लेंगे इसको हम बेलने के लिए। इस तरीके से लोइया बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं, आपको 2 हाथ दिख रही होगी, एक हमें और एक हमारी मम्मी है, हम दोनों मिलकर खाने बनाते हैं। इस तरीके से हम इसको बेलेंगे हल्का हल्का आटा लगा करके, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे। आटे को अच्छे से जो हमें लगाया था उसको झाड़ लेंगे, ताकि ये आटा जो है अगर तवा पे लगता है तो जल्दी से तवा जो है वो जलने लगता है, जिससे कि हमारे पराठे रोटियां भी जलने लगेंगे। इसलिए बेलने के बाद अच्छे से उसको झाड़ ले, तब जा करके तवा पे पराठे को रखें। एक तरफ थोड़ा हल्का पकाएंगे और दूसरी तरफ थोड़ा ज़्यादा लाल करेंगे। हम रिफाइन ऑयल यूज़ कर रहे हैं, आप चाहें तो घी भी लगा सकते हैं, घी से और भी ज़्यादा अच्छा बनेगा, लेकिन हम यहाँ पर रिफाइन तेल यूज़ कर रहे हैं। दोनों तरफ अच्छे से लगा लेंगे तेल को। गैस का फ्लेम लो कर देंगे और दोनों तरफ अच्छे से दबा दबा के, छुलनी की सहायता से, किसी भी चीज़ की सहायता से, चम्मच से उसको अच्छे से दबा दबा के दोनों तरफ सेक लेंगे। बहुत ज़्यादा जलानी नहीं है, आप देख सकते हैं। इस तरीके से हम उसको सेक लेंगे। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल गर्मा गर्म पराठे हमारे तैयार हैं। इसको हरी चटनी के साथ खाइए, बहुत ज़्यादा टेस्ट लगता है। और हरी चटनी का भी वीडियो हमने डाला है, आप चैनल में जाकर देख सकते हैं, वो बहुत ही स्वादिष्ट चटनी है, उसके साथ खाइए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आप देख सकते हैं, एक तरफ हमने थोड़ा सा पकाया हुआ है और दूसरी तरफ ज़्यादा पकाएंगे। ये जो दूसरा एरिया है उसको ज़्यादा पकाएंगे, उसके बाद दोनों तरफ हम लगाएंगे। अब इस वाले एरिया को भी पका लें, अच्छे से लाल कर लें।
तो गर्मा गर्म पराठा हमारी बन करके तैयार हो गई है, आप भी खाइए और उसे लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड और रिलेटिव्स को भी शेयर करिए।